भाई जी आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ तिलवाड़ा मेला में। इसको करीबन इस मेले को चालू हुए 14 दिन हो चुके हैं, उसमें से जो इस मेले में सबसे महंगा जो सबसे हाई बजट में जो हॉर्स सेल हुआ है उसके साथ मैं आपको मिलाना चाहूँगा। और हॉर्स के ऑनर भी है, राइडर भी है, हॉर्स की क्या खास बात है सारी की सारी मैं आपको डिटेल में दिखाऊँ। तो बने रहिए अपने वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक एक करके मैं आप सभी को इनसे मिलाता हूँ। सर आपका नाम क्या है? ईशा खान। आपका सर? मोहम्मद खान। आपका सर? आसिम खान जी। आपका? हाजी रशीद। आपका? ईशा खान जी। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो घोड़ा मतलब इतना महंगा सेल हुआ है? ये घोड़ा रेवा चाल चलता है जी। ये घोड़ा 40 का कांटा कर रहा है, अभी दो दांत है 40 चल रहा है। अच्छा जी, इस घोड़े के चौखावारा चल रहा है, चौखावारा जा रहा है, ठीक है ना। इसका पहले ऑनर कौन है सर? आसिम खान। और अभी किसने परचेज किया जी? आसिम खान। अच्छा जी, बिल्कुल। और इसको मतलब शुरुआत से और एंडिंग तक इसको तैयार किसने किया? उसको आप ही ने किया, मतलब बच्चे से लगा के बड़ा तक आपने रखा और आपने किया। और अभी ये कितने प्राइस में सेल हुआ सर? ये हुआ 8 लाख। 8 लाख रुपीज़ जी, बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसे अगर 8 लाख रुपीज़ कोई देता है ना तो कोई कम जानवर नहीं होता है। और हमारे यहाँ पे देखा जाए तो नदी का किंग है एक टाइप का, ठीक है ना। तो 8 लाख रुपए में शायद इस मेले में ये सेल हुआ सबसे। हाँ, इस मेले का एक नंबर का चलने वाला भी, मेले में सबसे फर्स्ट नंबर का ये घोड़ा, फर्स्ट नंबर और सबसे फर्स्ट नंबर ही सेल हुआ। हाँ, सेल हुआ, एक नंबर पे सेल हुआ। बाकी इस घोड़े के बारे में कुछ बताया मैं खेस, इसका कलर वगैरह क्या है? कलर है महुआ। हाइट क्या होगी सर इसकी? हाइट है 58 की। 58 की हाइट है, ठीक है। हाइट भी अच्छी, मतलब इसको सिंधी बोलते हैं? हाँ, सिंधी। और हमने सुना है सिंधी घोड़े ज़्यादा मतलब हाइट वाले भी नहीं होते। सिंधी बहुत सिंधी है जी। और चाचा जी आप बताएं घोड़े के बारे में कुछ। बस घोड़ा भी ये पाकिस्तान की असल नस्ल है जी, ऐसी नस्ल यहाँ मिलती नहीं है जी, कोई कोई मिल रहे हैं। और सुरंग इसको जैसे यूपी वाले सुरंग बोलते हैं जी, हम यहाँ इसको महुआ बोलते हैं। तो घोड़ा तो पूरी नस्ल वाला है, अच्छा घोड़ा है जी, चलने वाला घोड़ा है, पावर भी खूब है। मतलब अभी तो बच्चा आया, बड़ा होके अपन ये उम्मीद ही लगा सकते हैं कि अच्छी से अच्छी रेस चैंपियन बनेगा। एक रेस जीता हुआ घोड़ा है, एक रेस जीता हुआ बच्चा है, फर्स्ट नंबर आया। ये हिंदुस्तान का चैंपियन घोड़ा बनेगा, मेरा ऐसा समझ है। पर बिल्कुल सर, हमारी यही दुआ है, नाम करेगा, नाम करे बिल्कुल। और सर आप तो राइडर हो, इतने अच्छे आपने हॉर्स वगैरह तैयार किए, तो आपने कई रेसे वगैरह जीती है? बहुत रेसे जीती जी जी। कोई मोस्ट? जैसलमेर जी, फिर यहाँ बालोतरा, उसके बाद में जी सायला जी, साचौर जी, बहुत जगह। और माफ कीजिए सर, मैंने आपको पूछा नहीं है कि आप हो कहाँ से? तामलियार, बाड़मेर, तामलियार, 150 किलोमीटर की दूरी। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो मेले पे तामलियार वाले राज जी, 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 अच्छे घोड़े, चलने वाले घोड़े, अच्छे सवार, सब तामलियार से ही है। तो हमारी आपसे यही दुआ रहेगी कि ये आपने दिया है बच्चा, बहुत अच्छी आपने इसकी परवरिश की है, और भी बच्चा तैयार कीजिए और बाड़मेर का नाम रोशन करते जाए दुनिया में। बस बाड़मेर का नाम वैसे ही बहुत है, आप लोगों ने खूब किया और फिर भी बाड़मेर का नाम रोशन करते रहिए। हमारी ये दुआ है आपके लिए, और आपके मिलके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपको किसी और दूसरे इंटरव्यू के साथ, तक के लिए जय। शुक्रिया।